में बीजेपी विधान परिषद की स्नातक सीट पर चुनाव होने हैं और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव होना है। 5 सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। बीजेपी ने सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल भेजा है, पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है और वहां से मोहर लगेगी। 2 से 3 दिनों में नामों का ऐलान होने की संभावना है। 5 अतिरिक्त में से 3 स्नातक कोटे की सीटें बीजेपी के पास में थी। इनमें कानपुर खंड स्नातक सीट से अरुण पाठक का नाम है, गोरखपुर से देवेंद्र प्रताप सिंह, बरेली मुरादाबाद सीट से जयपाल सिंह एमएलसी। इन तीनों ही प्रत्याशियों का फिर से प्रत्याशी बनना लगभग तय है। विधान परिषद सदस्यों का प्रत्याशी बनना लगभग तय है। 6 विधानसभा सीटों के नामों का ऐलान हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। नाम लगभग लगभग फाइनल है, नाम लगभग लगभग तय है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है इन तीनों नामों पर, जिसमें अरुण पाठक का नाम सामने आ रहा है, देवेंद्र प्रताप सिंह का नाम सामने आ रहा है और साथ ही साथ बरेली मुरादाबाद सीट से जयपाल सिंह जो एमएलसी थे उनका भी नाम लगभग लगभग फाइनल है। और इन्हीं तीनों नामों पर बीजेपी फिर से दाव अपना आजमाने की पूरी तैयारियों में नजर आ रही है। और आपको बता दें कि परिषद की स्नातक सीटों पर चुनाव होने, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव होना है। रामपुर से बड़ी खबर है, आज अब्दुल्ला आजम के जन प्रमाण पत्र पर सुनवाई होनी